अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के साथ चिकन स्टू की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामान जाने वाला है। यह आधा किलो हमने चिकन लिया है, यानी कि ये 500 ग्राम है। ये हमने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 2 तेज पत्ते हैं, 6 लौंग हैं, 4 छोटी इलायची है, आधा चम्मच जीरा है, 15 से 20 ये काली मिर्च के दाने हैं, 1 बड़ी इलायची है, आधा फूल जावित्री है और ये 4 लाल सूखी मिर्चें ली हैं हमने, जिनको हम काट लेंगे। ये 4 बड़े साइज की प्याज ली हैं, जिनको हमने स्लाइस में बारीक काट लिया है, क्योंकि स्टू में प्याज ज्यादा जाता है। अगर वजन में देखें तो ये 250 ग्राम प्याज है। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, जिनको हमने रफली चॉप कर लिया है। ये सब जाएंगे और बाकी के मसाले हम पकाते टाइम दिखाते जाएंगे आपको। चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन स्टू। अब हम पैन में ये 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालते हैं। ये रिफाइंड ऑयल है, आप लोग जिस भी तेल में खाते हैं वो तेल डालिए। फ्लेम ऑन करते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है और हमने इसको मीडियम आंच पर गर्म किया है। अब इसमें ये सारे खड़े गरम मसाले जाएंगे और फौरन बाद ही हम इसमें ये प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम हल्का पिंक होने तक फ्राई कर लेते हैं। इसको हमें बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा पिंक हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए प्याज। आंच हमको मीडियम रखना है, बहुत तेज आंच नहीं करना है। इस टाइम प्याज लाइट पिंक होने लगी है और इससे ज्यादा हमको इसको फ्राई नहीं करना है। और अब हम इसमें ये चिकन शामिल कर देते हैं। इस पॉइंट पर हम आंच को तेज कर लेते हैं। और चिकन को फ्राई कर लेते हैं इस प्याज में। इस तरह से प्याज जो होता है तो स्टू में एक सोनापन पैदा करता है। इससे ज्यादा करेंगे तो फिर प्याज जल जाती है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। जो चाय का चम्मच होता है ये वो वाला चम्मच है, 1 और ये आधा। और इसको हम फ्राई कर लेते हैं सब चीज को। चिकन का कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो गया है। और अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं और जो मिर्चें हमने ली थी लाल सूखी उसको हमने काट लिया है, ये गई इसमें। और ये टमाटर गए इसमें। इन सबको मिला लेते हैं ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। और 1 चम्मच नमक डालते हैं, नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालें। टमाटर भी सॉफ्ट होने लगा है। और अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें जिनको हमने काट लिया है ये डाल देते हैं। मिर्चा आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, अगर कम मिर्चा खाते हैं तो कम डालें इसमें। चौथाई चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्चा डालते हैं। ये कलर के लिए है, ये तीखी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें मिर्चे डाल रखे हैं पहले से, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। सबको मिक्स कर देते हैं हम। और 1 चम्मच इसमें ये हम पिसा धनिया डालते हैं। सबको एक साथ भून लेते हैं। और अब हम ये 1 गिलास पानी डालते हैं इसमें। 10 से 12 मिनट तक हम मीडियम आंच पर चिकन को गला लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाकी की चीजें हम बाद में दिखाएंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं,
और अब हम चेक कर लेते हैं चिकन को। ऑलमोस्ट चिकन हमारा एकदम तैयार होने वाला है और ये गलने की पॉइंट पर है एकदम। और इस टाइम हम फ्लेम को एकदम लो कर लेते हैं और इसमें हम 4 टेबल स्पून दही डालते हैं, यानी के वजन में देखें तो ये 50 ग्राम होगा दही। और इसको अच्छे से मिला लेते हैं दही के साथ। अब हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को हमने लो कर दिया है ताकि दही फटे नहीं। अगर आप लोग चिकन स्टू इस मेथड से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत शानदार चिकन स्टू तैयार होगा। अब हम आंच को तेज कर लेते हैं और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं ताकि सब चीज अच्छे से भून जाए। 4 से 5 मिनट हमें लगेंगे इसको भूनने में। जो प्याज टमाटर हमने सब चॉप करके डाला था सब एक साथ मिल गया है। और इस पॉइंट पर हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालते हैं और इसको भी मिला लेते हैं। 1 चम्मच कटा हरा धनिया डालते हैं और बाकी का हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। चिकन स्टू को अब हमें खोल कर ही पकाना है। अब हमें इसको लिड से बंद नहीं करना है जब तक ये भून नहीं जाता है। चिकन देखिए भुनने लगा है और तेल ऊपर नजर आने लगा है। और इस पॉइंट पर हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो डालें, दिल करे ना डालें, लेकिन इसको डालने से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और खुशबू भी बहुत आती है इसमें। ये गया घी भी इसमें, बस 1 चम्मच काफी है इसके लिए। अगर आप इसमें थोड़ी ग्रेवी रखना चाहें तो थोड़ा पानी आधा कप डाल दें, लेकिन हम इसको ऐसा ही रखते हैं क्योंकि इसमें ग्रेवी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। जो मिली जुली ग्रेवी होती है इसमें लिपटी हुई चिकन पर, वही ग्रेवी इस पर अच्छी लगती है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है हमारा चिकन स्टू अभी से। अभी हमें इसको कम से कम 2-3 मिनट और भूनना है। चिकन स्टू एकदम बनकर तैयार है। ये देखिए एकदम ये चिकन गल चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसमें 1 चम्मच धनिया कटा हुआ और डालते हैं और इसको हम कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए, के बाद हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। चिकन स्टू को अब हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन स्टू बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको अदरक से थोड़ा गार्निश कर देते हैं। ये अदरक के हमने जूलियन काट लिए हैं बारीक बारीक। थोड़ा सा इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।